good morning my dear students how are you all i hope you all are safe at your home and enjoying your online classes dear students as you know we have completed exercise portion of lesson 10 in our last class chapter name is my food today we will do word meaning and very short question answer of this chapter so watch the video carefully and listen to me firstly we will discuss word meaning of this chapter so listen to me carefully and watch the video let's read our first word our first word is e m p t y empty first word empty meaning vacant वी ए सी ए एंटी वैकेंट एम टी मीन्स वेकेंट मीन्स खाली फर्स्ट वर्ड एम टी मीनिंग वैकेंट लेट्स रीड आर सैकेंड वर्ड आर सैकंड वर्ड इज अवैलेबल ए आई एल ए बी एल इ अवेलेबल सेकेंड वर्ड अवेलेबल मीनिंग यूजेबल यू एस ए बी एल ई यूज़ एबल और ओप्टेनेबल ओ बी टी ए आई एन ए बी एल ई ऑप्टेनेबल अवेलेबल का मीनिंग क्या होता है यूज़ेबल और obtainable मीन्स जो चीज़ किसी स्थान पर उपलब्ध होती है जो चीज़ किसी स्थान पर मिलती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड वर्ड अवेलेबल मीनिंग यूज़ेबल और obtainable थर्ड वर्ड पी एल ई एन टी वाई प्लान थर्ड वर्ड क्या है प्लेंटी मीनिंग अ लोट ऑफ एल ओ टी लोट ऑफ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना प्लेंटी मीनिंग अ लोट ऑफ थर्ड वर्ड प्लेंटी मीनिंग अ लोट ऑफ लेट्स रीड आर फोर्थ वर्ड मेजर एम ए जे ओ आर मेजर मीनिंग एम ए आई एन मेन मेजर का मीनि क्या होता है मेन मेजर मेन लेट्स रीड आर फिफ्थ वर्ड वेरियस वी ए आर आई ओ यूएस वेरियस मीनि मैनी एम ए एन वाई मैनी वेरियस मैनी मीन्स कई अनेक फिफ्थ वर्ड है वेरियस मीनी मैनी लेट्स रीड आर सिक्स वर्ड वर्ड इज़ आर ए आर ई एल वाई रेयरली वर्ड क्या है हमारा रेयरली मीनिंग हार्डली एच ए आर डी एल वाई हार्डली रेयरली मीनिंग हार्डली रेयरली हार्डली बहुत कम होना बहुत कम मात्रा में होना किसी चीज़ को बहुत कम यूज़ करना या प्रयोग में लाना या कोई भी चीज बहुत कम मात्रा में होना मीनिंग रेयरली या हार्डली सिक्स वर्ड रेयरली आर ए आर ई एल वाई रेयरली मीनिंग हार्डली एच ए आर डी एल वाई हार्डली लेट्स रीड आर सेवंथ वर्ड वेंडर्स वी ई एन डी ओ आर एस वेंडर्स मीनिंग हॉकर्स एच ए डब्ल्यू के ई आर एस हॉकर्स वेंडर्स कौन होते हैं जो गली में घूमकर सामान बेचते हैं जैसे सब्जी बेचने वाला है फ्रूट बेचने वाला है वो क्या होते हैं वेंडर्स जो गली गली में सामान बेचते हैं सेवंथ वर्ड वेंडर्स वी ई एन डी ओ आर एस वेंडर्स मीनिंग हॉकर्स एच ए डब्ल्यू के ई आर एस हॉकर्स लेट्स रीड आर एट्थ वर्ड एक्सपोज ई एक्स पी ओ एस ई डी एक्सपोज एर्थ वर्ड क्या है हमारा एक्सपोज ई एक्स पी ओ एस ई डी एक्सपोज अनकवर्ड, U एन अनकवर्ड सी ओ वी ई आर ई डी अनकवर्ड मीन्स जो ढका हुआ ना हो एक्सपोज मीन्स अनकवर्ड बिना ढके हुए अगर आप एक्सपोज फूड खाते हो तो क्या होता है उस पर डस्ट पड़ जाती है डर्ट होती है जर््स भी हो जाते हैं जिससे खाकर आप बीमार पड़ सकते हो इसलिए आपको अनकवर्ड या फिर एक्सपोज फूड नहीं खाना चाहिए एक्सपोज का मीनिंग क्या हुआ अनकवर्ड लेट्स रीड आर नाइन्थ वर्ड प्रोपोर्शन पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ एन प्रोपोर्शन नाइन्थ वर्ड प्रोपोर्शन मीनिंग क्वांटिटी क्यू यू ए एन टी आई टी वाई क्वांटिटी क्वांटिटी मीन्स मात्रा जैसे आप कोई भी फूड खाते हो तो आपको कैसा खाना चाहिए जिसमें सभी जो फूड आइटम्स है राइट right अमाउंट में हो राइट प्रोपोर्शन में हो उससे बैलेंस डाइट बोलते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है प्रोपोर्शन मीनिंग क्वांटिटी लेट्स रीड आर टेंथ वर्ड इंजर्ड आई एन जे यू आर ई डी इंजर्ड मीनिंग डैमेज डी ए एम ए जी ई डी डैमेज इंजर्ड मीन्स डैमेज मतलब कोई चीज़ नष्ट होना घायल होना इसका मीनिंग हर्टेड भी हो सकता है इंजर्ड मीन्स डैमेज लेट्स रीड All word meanings again. First word empty, meaning vacant. Second word available, meaning usable or obtainable. Third word plenty, meaning a lot of. Fourth word measure, meaning main. Fifth word various. Meaning many. Sixth word rarely meaning hardly. Seventh word vendors meaning hawkers. Eighth word expose meaning uncovered. Ninth word proportion meaning quantity. Tenth word injured meaning damaged. Dear students, I hope you all have understood word meaning of this chapter. If anything is not clear to you if any doubt is there you can ask me in comment box thank you